अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों भाई आज अपने चिकन फार्मिंग पे जरा फोकस करने का जो है टाइम है, क्योंकि भाई बहुत सी चीज़ें जो है वो गलत हुई हुई हैं जिनको आज इंशाल्लाह सही करना है, और क्या उसमें मसाइल हैं जरा आज डिस्कस करते हैं। भाई सबसे पहले जो हमारा जो बड़ा वाला फ्लॉक है इसके हवाले से बात करते हैं, और इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई इस पर मुर्गे जो है बेनते हैं, जिसकी वजह से भाई मुर्गियाँ इसमें काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं, और आप देख सकते हैं कि भाई मुर्गियों के जो सर के बाल है ना वो तकरीबन सबके झड़े हुए हैं। ये देखें सर पे बाल नहीं है, इसके भी सर पे बाल नहीं है, तो क्योंकि मुर्गे ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ उसमें से मुर्गे मैं निकालता हूँ, एक पोर्शन मेरे पास पीछे जो है वो मास्टर केज में खाली है, वहाँ पे सारे मुर्गे मैं एक जगह करूँगा, और यहाँ पे मैं एक या दो मुर्गे छोड़ दूंगा जो पुराने बड़े इसमें मुर्गे हैं ना वो वहाँ पे छोड़ दूंगा मैं। तो एक तो भाई ये काम करना है, और उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई यहाँ पे एग लेइंग मुर्गियों की बहुत कम हुई थी, माशाल्लाह से अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे मुर्गियाँ हैं सारी जो है वो इनकी उम्र हो चुकी है अंडे देने की, बट एग लेइंग इनकी नहीं हो रही है। और इसकी जो बड़ी वजह जो मुझे समझ में आ रही है वो यही है कि भाई मुर्गे बहुत ज़्यादा हैं, मुर्गियाँ जिसकी वजह से थोड़ी स्ट्रेस में रहती हैं। तो ये भी करते हैं, मुर्गे पकड़वा के सारे हटवाते हैं यहाँ से। दूसरा भाई आ रहा है यार, ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया है मुर्गियों ने, जब से आई हैं कमी इनकी एग लेइंग मुझे मिली है काफ़ी, पता नहीं मुर्गियों का मसला है क्या है। ब्रीड पे तो मेरी रिसर्च थी कि ब्रीड तो अच्छी है, अंडे काफ़ी अच्छे देती है ये क्वांटिटी में, बट ये जो है ना अब इसमें मुझे सारी मुर्गियों को निकालना है। इनका वेट मैं करूँगा क्या क्या वेट इनका आ रहा है, और अभी तो एक दो अंडे ही आते हैं वो भी एक दो दिन के गैप से, तो देखूँगा कौन सी मुर्गी अंडे देने वाली है कौन सी नहीं, एक आइडिया लगाएंगे, वरना फिर जो बाकी बचेंगे उनको फिर जो है वो मुझे हलाल करवाना, कुछ मुर्गे भी जो है हलाल करवाने, इनमें से मैं देखूँगा भाई कौन कौन से मुर्गे जो है वो रखने कौन से हलाल करवाने। और तीसरा भाई हमारा ये वाला पोर्शन जो है मास्टर केज का, इसमें भी कुछ मुर्गे एक्स्ट्रा है उनको हलाल करवाना है, इसमें तीन मुर्गे हैं, तो देखते हैं भाई कौन से मुर्गे रखने हैं। देखें अंडा देखें कहाँ दिया हुआ है, और वो देखें कहाँ कहाँ नीचे नीचे अंडे पड़े हैं, तो खारे भी अंडे में उठाता हूँ। तो यहाँ पे जो मुर्गे हैं ना इनकी माशाल्लाह एगलिंग अच्छी है, और इनका जो है आप देखें इनके भी ऊपर से कुछ कुछ सरों से बाल हटे हुए, बट ये फिर भी बेहतर है, ये वो वाली कंडीशन नहीं है वहाँ वाली, क्योंकि वहाँ पर तो मुर्गे कुछ ज़्यादा ही है, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो यहाँ भी फिर मैं एक मुर्गा रखूँगा, या फिर मैं मुर्गों को सबको एक जगह कर दूँगा ताकि एगलिंग सबकी एक जैसी हो, और एक मुर्गी इसमें अच्छी है जो मैं चाह रहा हूँ इसका प्योर आर आई आर का जो मैं पेयर बनाऊँ, इसमें जो है वो ये येलो लेग वाली एक मुर्गी आर आई आर की, और मेरे पास जो प्योर आर आई आर में मुर्गा ना वो इंशाल्लाह इसके साथ लगाऊंगा ताकि मुझे एक अच्छी ब्रीड मिले। तो अभी भाई मैं अंडे कलेक्ट कर लूँ, ऐसा ना हो अंडे टूट ही जाए, काफ़ी दिनों बाद अंदर आया हूँ भाई मैं, वो एक अंडा वो नीचे पड़ा हुआ है। बाकी अंडे भाई यहाँ से उठाएंगे, माशाल्लाह चार अंडे हो गए। बाकी भाई इस काम के लिए मैंने काशिफ को बुलाया हुआ है, तो भाई ये काम स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा भाई दोस्तों अभी क्योंकि बारिशों का मौसम भी ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं ये प्लास्टिक भी हटवा रहा हूँ क्योंकि इस पर धूप लग रही है तो ये ख़राब हो रहा है। अभी ये देख सकते हो अभी नया प्लास्टिक लाया था, ये पटना शुरू हो गया है, तो अब ये मैं इसको लपेट के रख देता हूँ ताकि ये ज़रा धूप से जो है बच जाए। तो अभी भाई ये सीन है, अभी इस पर डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो ख़राब हो रहा है, चलो लपेट दो इसको। असल में पीछे ये कीले लगी है ना, अभी निकल नहीं सकता, तो मैं सोच रहा हूँ उसको रोल करा के ना इधर ही रखवा के ना, तो थोड़ा ये कि इससे धूप की प्रोटेक्शन हो जाएगी। ले जाओ आराम से ले जाओ। उससे एक गलती ये हुई थी कि मैंने इसमें कलर नहीं किया, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि बारिशों में गीली हुई थी ना तो ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मेरा जो फैंसी केज है ना उसे मैंने कलर किया हुआ था, वो भाई माशाल्लाह से सही है, प्रोटेक्टेड है, तो बस इसका एक रोल बना के ना पीछे साइड पर लगा दो बिल्कुल। असल में बात ये कि मुझे इसका आइडिया तो था कि इतने ज़्यादा मुर्गे अगर मुर्गियों के साथ होंगे तो उसमें डेफिनेटली मुर्गियाँ स्ट्रेस में रहेंगी और प्रोडक्शन में भी कमी आएगी। अब थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा था, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो आज स्पेशली भाई मैंने सारे काम छोड़ के भाई ये टाइम निकाला हुआ है, और मैं सुबह से भाई काशिफ का इसीलिए वेट कर रहा था कि भाई ये आया तो मैं ये काम करूँ, मैंने किसी और काम को मैंने स्टार्ट नहीं किया इसी वजह से। तो अभी भाई ये काम स्टार्ट करते हैं, ज़रा ये हो जाए। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ आर आई आर की मुर्गों को निकलवाऊँ और इनका ज़रा वो चेक करवाऊँ, बल्कि पहले मुर्गों को शिफ्ट करते उसके बाद फिर जो है वो आर आई आर की मुर्गियों की तरफ आएंगे। तो ये वाला काम तो हो गया, इसको रोल कर दिया, दोनों तरफ क्लिप लगा दी यहाँ पे भी और अपोजिट भी, और ये हमने भाई बीच में रख दिया ब्लॉक। चलो भाई अब पहले मुर्गों को पकड़वाते हैं, काशिफ अंदर जाओ, जितने भी मुर्गे हैं ना सारे पकड़ लो, और इसमें से सिर्फ दो मुर्गे छोड़ देने, मैं बता दूँ कौन कौन से छोड़ने। एक तो ये ऊपर बैठा हुआ है ये छोड़ देना, और एक ये इसके ताज पे वो लगा हुआ है ना कुछ बीट वगैरह लगी हुई है, अरे ये ताज पे जिसके ताज पे बीट लगी है ये छोड़ दो, और वो ऊपर वाला छोड़ दो, बाकी सारे पकड़ लो, पैर से पकड़ना है, पैर से ओ।
अच्छा भाई दोस्तों मेरी आ गई थी कॉल, यहाँ पे मुर्गे जो है वो काफी ट्रांसफर भी हो गए, देखेंगे इन्होंने कौन कौन से ट्रांसफर कर दिए। और हाँ मेरे ख्याल से तुमने ट्रांसफर कर दिया पहला वाला, तो मैंने मना किया था। चलो मैं देख लेता हूँ वहाँ पे भी, चेक कर लेता हूँ, बाकी है भी वहाँ पे, दो रह गए बस। यहाँ पे देखे भाई कौन कौन से मुर्गे रह गए, एक ये रह गया, एक वो रह गया, नहीं वो वाला निकालो मुर्गा, वो वाला पकड़ लो, और जिसका वहाँ पे ताज गिरा हुआ है ना वो पकड़ के ले आओ। अरे भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयरा, आज छुट्टी है स्कूल की फाइनली है। अरे क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है क्या? शिफ्टिंग हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सोच रहा हूँ इस मुर्गे को हलाल करवा लूँ। इसको तुम ऐसा करो रस्सी बांध के ना इधर ही छोड़ दो, यही वाला, ये सामने जो है वो वाला, पीछे ये सफेद दुम वाला, ये ऊपर जो चढ़ा है ऊपर, हाँ ये वाला, यही है, पकड़ लो। अरे शोर शराबा कर रहे, मट्टी मट्टी कर दी है उन्होंने तो। चलो ले आओ उसको, दोनों एक ही जैसे ही हैं। हाँ इसको इसी में रख दो, ये असल में मैं इस वजह से रख रहा हूँ, सबसे पहले मेरे पास चूजा निकला था तो मैं इस वजह से इसको रखता हूँ। और अब हमने ये फ्लॉक बना लिया फाइनली, इसमें दो मुर्गे हैं, बाकी सारी मुर्गियाँ हैं। और अब इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद है कि एग लेइंग इम्प्रूव होगी और इनमें जो स्ट्रेस है ना वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि मुर्गे अब हमने कर दिए हैं कम। अच्छा अब आते भाई ऊपर आ रहा है यार की तरफ, अब इधर आ जाओ काशिफ, यहाँ पे आपने करना ये कि ये वाला जो मुर्गा है ना, अरे आया नहीं हाथ में, मैंने सोच रहा था यहीं से पकड़ लूँ उसको। आ रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ, कोशिश करता हूँ। इसका मैं तरीका ये, इनको टांगों से पकड़ना पड़ता है वरना तो हाथ में नहीं आते। आ जाओ, ये वाला जो है ना ये खतरनाक है, ये मारता है। ये माशाल्लाह मुर्गा अच्छा है, इसने साइज बहुत अच्छा किया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट मैं इसको अभी उनके साथ ही छोड़ूंगा। ये जो है ना माशाल्लाह आर यार का मुर्गा है, मतलब जो प्योर में आता है प्योरिटी में, क्योंकि थोड़े से येलो लेग्स भी हैं और उसका डार्क कलर भी है, तो ये मैं मुर्गों के साथ छोड़ना चाह रहा हूँ। मतलब साइज जो है वो इसका ज़्यादा अच्छा है, आप देखें माशाल्लाह साइज इसका अच्छा है, और ये आई थिंक मेरी होम ब्रीड ही है। हाँ इधर ही आ रही है तू, बाहर आ गया बाहर आ गया बाहर आ गया भाई। ये होता है जहाँ मुर्गियाँ मुर्गे पकड़ने में, इसी में डाल दो सारे मुर्गे भी एक साथ ही कर देंगे हम, सब एक जगह जमा जाते फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह एंड में। अच्छा भैया मुर्गियों को निकालते हैं सबको और इनका वेट करेंगे, क्या इनका वेट है ये करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं किन किन मुर्गियों को कटवाने किन को रखना है। सारी काशी मुर्गियाँ पकड़ के ना लेके आ जाओ, नीचे ले आओ भाई, मुर्गियाँ तो खुद ही बाहर आ गई हैं, उड़ उड़ के यहाँ से बाहर आ रही हैं। अच्छा वेट मशीन में ले आया हूँ, इनको पकड़ के वेट करते, मैं ही पकड़ लेता हूँ मुर्गियों को। आ जाओ चलो, हमें सारी मुर्गियाँ आ गई हैं, पहले इसका वेट करते हैं कितना है, बैठ जाओ। इसका आ रहा है 1300 ग्राम। अच्छा भाई दोस्तों भाई शिफ्टिंग मेरे दोनों पे जा रही है, और अब मैंने प्लान ये किया है कि भाई इनकी बारी है और मैं इनमें से तीनों मुर्गे निकाल लूंगा ये, और इसकी जगह भाई मैं ये वाला जो है ना आ रहा यार का, ये जो येलो लेग वाला मुर्गा ये मैं ऐड करूंगा, ये माशाल्लाह अच्छा मुर्गा है, सबसे अच्छा तो वो है इसके पीछे जो खड़ा हुआ है, माशाल्लाह उसका साइज देखें, ये वाला और ये माशाल्लाह दोनों का साइज बहुत अच्छा है, बट ये कि थोड़ा नस्ल में ये ज्यादा अच्छा है, तो ये वाला मैं इसमें ऐड करूँ। तो काशिफ इसमें ये तीनों मुर्गे पकड़ लो, तीनों मुर्गे पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट करो, और वो वाला मुर्गा जो है ना ये वाला पीले पैरों वाला ये जो है वो नीचे शिफ्ट कर देना, ठीक है। ये असल में वीडियो भी बना पाते, शोर इतना करते ही है और बिल्कुल मट्टी मुंह पे आ रही होती है इस वजह से जो है ना, तो इनको पकड़ने की वीडियो नहीं बना पा रहा मैं। चलो भाई दोस्तों यहाँ का सीन आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सारी मुर्गियाँ हैं और वो ऊपर से मुर्गा पकड़ के हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ के जो भाई तीनों जो मुर्गे हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो अब इस जगह भाई सारे मुर्गे ही मुर्गे हो गए, और अभी सोचते हैं कि भाई इन मुर्गों का करना क्या है, अभी तो फिलहाल इनको अलग करना जरूरी था। मुर्गे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सारे भाई टॉप क्लास है, माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है, और ब्रीडिंग के लिए भाई बेहतरीन तैयार हुए हैं भाई माशाल्लाह। बस अब ये देखना है कि ये मुर्गे लड़े ना, बाकी भाई दोस्तों आर आई आर में क्या डिसाइड किया है, इसमें से दो मुर्गियाँ जो है ना वो 1500+ में आई हैं वेट में, तो मैंने इनको रख लिया है, और दो मुर्गियों का वेट जो है वो एक का 1300 आया था और एक का 1400 कुछ आया था, तो उनको मैंने हटा दिया, तो वही शायद ऐसी मुर्गियाँ हैं जो शायद अंडे नहीं दे रही हैं। तो भाई दोस्तों एक मुर्गा और दो मुर्गियाँ जो है वो इसमें जो है वो पूरे अभी जो हमने सेटअप किया इसमें हलाल होने के लिए जा रहे हैं, तो भाई ये है दोस्तों अभी तक की सेटिंग जो हमने करी है। वैसे तो भाई दोस्तों अगर प्योर आपने अंडे अगर लेने हो ना मुर्गियों से तो हमें मुर्गों की ज़रूरत नहीं होती, उससे फिर ये होता है कि अगर मुर्गे ज़्यादा भी हो ना तो फिर मुर्गी स्ट्रेस में रहती है और फिर वो अंडे एग लेइंग अपने कम कर देती है,
तो अगर खाली मुर्गियां भी हो ना तो मुर्गियां वैसे भी बगैर मुर्गे के अंडे देती हैं, बट ये कि मुर्गे से ही होता है कि फर्टाइल एग मिलता है। और अगर आप दो जैसे RIR के मैंने रखे हुए थे तो मेरे पास ऑप्शन था कि भाई मैं जब चाहे उसे मतलब ब्रीडिंग के तौर पे भी उसको यूज़ कर सकता हूँ, मतलब चूजे निकालने के लिए, जब चाहे भाई इसको ईटिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर बहरहाल अभी जो है वो ये सिलसिला हमने कर लिया, अब इससे उम्मीद है कि भाई ये वाला जो फ्लॉक है अब इसमें इंशाल्लाह एगलिंग इंप्रूव होगी। तो चले भाई दोस्तों, ये आज का एक व्लॉग था जिसमें आज थोड़ा सा हमने टाइम दिया अपनी मुर्गियों को और जो चीज़ें ज़रूरी थी करने वाली वो करी। इसमें आपकी क्या सजेशन है कमेंट्स में लाजी बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।